हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा फैमिली द अनब्रेकेबल बॉन्ड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक सीन को देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चों को ट्रक के अंदर ले जाया जा रहा था। जब यह ट्रक यहाँ से जा रहा था तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक ट्रक के अंदर एक बच्चे को खांसी आ रही थी और ये यहाँ पर बेहोश हो जाता है। ये सभी बच्चे यहाँ पर खाना खा रहे थे तभी एक बच्चा उठता है और वो बेहोश बच्चे को उसका खाना ले लेता है और उसको बाहर फेंक देता है। यहाँ पर एक लड़की भी होती है जो उस लड़के से कह रही थी कि तुमने क्या किया। तभी हम बाहर देखते हैं जहाँ पर उस लड़के को बाहर सड़क पर गिरा दिया गया था और शायद ये लड़की यूरा ही होती है। आगे चलकर ट्रक एक जगह पर रुक जाता है तभी एक आदमी बच्चों के पास आता है और ये ओटाक होता है। ओटाक यहाँ पर बच्चों से कह रहा था इस जगह तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर तुम में से कोई भी आजाद नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। इसके बाद सभी बच्चों को नीचे उतार दिया जाता है। यहाँ पर यूरा एक लड़की को देख रही थी जो कि दूसरे बच्चे को मार रही थी लेकिन तभी यहाँ पर यूरा के पास एक लड़का आता है और इसको यहाँ से ले जाता है। अगले सीन में उसी सीन को दिखाया जाता है जो कि हमने एपिसोड 6 के लास्ट में देखा था जहाँ पर ताइको मिन्सियो की ओर बढ़ रहा था लेकिन तभी हम देखते हैं लिफ्ट में डोहुंग आ जाता है और वो देख लेता है ये आदमी मेरे बच्चों की ओर जा रहा है। बाद में यहाँ पर ताइको का गला पकड़ता है और कह रहा था कि तुम कौन हो और मेरी फैमिली को क्यों डरा रहे हो लेकिन तभी यहाँ पर यूरा रोकती है और यूरा ये कह देती है ये मेरा चचेरा भाई है और इसका नाम ताइको है। बाद में डोहन यहाँ पर हंसने लगता है और कह रहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारा चचेरा भाई है। इसके बाद वो ताइको को गले लगा लेता है। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर सभी फैमिली वाले होते हैं, साथ में ताइको को भी अंदर लाया जाता है और डोहन ताइको से पूछ रहा था अभी तक तुम कहाँ पर थे, तुम दिखाई क्यों नहीं दिए। ताइको यहाँ पर बताता है मैं थाईलैंड में रहता हूँ और वहाँ पर एक बिजनेस चलाता हूँ। डोहन कहता है किस प्रकार का बिजनेस। ताइको कहता है वहाँ पर मैं हीटर बेचता हूँ। डोहन पहले तो हंसता है और फिर कहता है शायद तुम्हें मुझे भी अपने काम में शामिल करना चाहिए लेकिन तभी यूरा मिन्सियो को अपने साथ ले जाती है और बाद में यूरा ऊपर से ताइको को देख रही थी और वह यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ पर ताइको ने कुछ बच्चों को मार दिया था और यूरा इनको देख रही थी। ये सीन इनके बचपन का था और ये सीन हमें पहले भी दिखाया गया था लेकिन पहले ये सीन अधूरा था। लेकिन रात को देखते हैं यहाँ पर यूरा ताइको को मारने के लिए उसके कमरे के पास आती है लेकिन ताइको को पता चल जाता है कि यूरा आ चुकी है। इसके बाद वो अपने दरवाजे को लॉक कर लेता है और वह यूरा से कह रहा था कि तुम बहुत ही खुश हो और मैं तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता लेकिन तुम्हें मेरा वही काम करना है जो कि यहाँ पर वुल्फ करने के लिए आया था। वुल्फ तो मर चुका है इसलिए उसका काम तुम्हें करना है, अगर तुम यह काम कर दोगे मैं तुम्हारी फैमिली को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर डायरेक्टर हो ने चेरी के पास कॉल किया हुआ है और उसे हवाचा नाम के आदमी के बारे में पूछ रही है कि वो कहाँ पर है। यहाँ पर चेरी कहती है कि मैंने उसके बारे में जाँच की थी, उसका असली नाम यून सैगुन है और वह वांचू नाम की जगह पर रह रहा है। वहीं दूसरी ओर ताइको को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों से बात कर रहा था और यहाँ पर ताइको नावी के बारे में कुछ कहने वाला था। जैसे ही वो बाहर आता है तभी हम देखते हैं यहाँ पर डोहन की फैमिली आ जाती है। इसकी फैमिली को पता चल जाता है कि यही यूरा का चचेरा भाई है। बाद में सभी इसके स्वागत में केक लाते हैं। हालांकि ताइको यहाँ पर बाहर जाना चाहता था, उसने अपने आदमियों के पास कॉल की हुई थी लेकिन ये सभी इसको अंदर खींच लेते हैं और बाद में अपने पास बिठा लेते हैं। बाद में बोंगसू यहाँ पर ताइको के लिए खाने के लिए कुछ सामान लाता है और वो ताइको को जबरदस्ती देता है। साथ में जेहून भी यहाँ पर ताइको का कोट ले लेता है और कह रहा था ये बहुत ही अच्छा है। साथ में ताइको की घड़ी भी ले लेता है। ताइको भी यहाँ पर सोच रहा था कि इन सभी के बीच कैसे फंस गया। बाद में डोहन के पास चेरी का कॉल आता है। डोहन यहाँ पर चेरी से कहता है कि जो मैंने तुमको करने के लिए कहा था क्या तुमने वो किया। चेरी अब कहता है तुमने जो मुझे टैटू के बारे में बताया था उन 10 को पहले लोग इस्तेमाल किया करते थे लेकिन सरकार के द्वारा एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था और इसी के लिए इस टैटू का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर डोहन कहता है कि फिर कालियांग का टैटू और उसका टैटू अलग क्यों है। चेरी कहती है सरकार ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसमें जो आदमी शामिल थे उनके ऊपर टैटू लगा दिया गया था और वो इसको संघ का नाम दे रहे थे लेकिन कुछ दशकों के बाद एक नया संघ बना दिया गया था और ये पुराने संघ वाले आदमी नए संघ के आदमी को मार रहे हैं और शायद इसीलिए तुम्हारे दोस्त वुल्फ ने कालियांग को मारा था। वहीं बाहर देखते हैं यहाँ पर सभी फैमिली वाले अब किमची बना रहे थे, साथ में यहाँ पर ताइको भी काम कर रहा था वो भी किमची बना रहा था। बाद में यहाँ पर मिसेज पार्क भी आ जाती हैं और इनकी सहायता करती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर डोहन चेरी से मिल रहा था। चेरी यहाँ पर उसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट को दिखा रहा था जो कि पहले डायरेक्टर हो देख रही थी कि ओटाक ने 13 बच्चों को मार दिया था और साथ में 3 अधिकारियों को भी मार दिया था। चेरी यहाँ पर एक फोटो को दिखा रही थी जिसमें कुछ सैनिक थे। चेरी यहाँ पर बताती है कि इस फोटो में केवल 4 लोग बचे हैं, इनमें से एक नाभी है, एक हवाचा है और एक स्नाइपर वाला है जिसने वुल्फ को मारा था। साथ में चेरी यहाँ पर ओटाका का नाम भी लेती है और उसकी फोटो भी दिखाती है, ये भी
बची हुई है। चेरी कहती है कि मेरे पास नाभी के बारे में कुछ सूचना है, वो एक छोटी सी दुकान चलाती है। तो डोहन कहता है उसका पता मुझे दे दो, मैं अभी जाने वाला हूँ। और बाद में चेरी नाभी की लोकेशन डोहन को दे देती है। बाद में डोहन यहाँ पर नाभी से मिल रहा था। वो नाभी से पूछता है तुम्हारे और डायरेक्टर हो के बीच क्या है, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानती हो। नाभी कहती है कि पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम डायरेक्टर हो को कैसे जानते हो। डोहन कहता है कि मैं उसके लिए काम करता हूँ और हम अच्छे दोस्त हैं। नाभी कहती है मैं डायरेक्टर हो के बारे में बताऊँ, इससे पहले तुम डायरेक्टर हो के पास चले जाओ और उससे मेरे बारे में पूछो कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। बाद में डोहन यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी घर के अंदर अभी भी किमची बना रहे थे, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि मिसेज पार्क के हाथ में चोट लग जाती है और खून बाहर आने लगता है। बाद में वांगसू और यूरा मिसेज पार्क को डॉक्टर के पास ले जाती हैं। डॉक्टर यहाँ पे इनके घाव पर पट्टी लगा देती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यूरा अपने कैफे के अंदर होती है और वो ताइकू के पास मैसेज करती है और ताइकू को कह रही थी कि हमें बात करने की जरूरत है, तुम मेरे कैफे के अंदर आ जाओ। ताइकू यहाँ पर मैसेज को देखता है लेकिन वो कैफे के अंदर नहीं जाता। वो अपने आदमियों के पास कॉल करता है और कह रहा था तुम हवाचा को मार दो। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर हो नावी से मिल रही थी। नावी यहाँ पर डायरेक्टर हो से कहती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। डायरेक्टर हो कहती है तुम्हारी बेटी सेंचुल ठीक है, उसके बारे में चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी अभी आवश्यकता है, तुम मेरे टीम में शामिल हो जाओ। लेकिन नावी इसके लिए मना कर देती है, वो कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी। बाद में दिखाया जाता है डायरेक्टर हो अपने ऑफिस के अंदर आ जाती है, लेकिन तभी इसके पास एक लिफाफा आया हुआ था और वो चेक करती है, उसके अंदर हवाचा की लोकेशन होती है। साथ में यहाँ पर एक फोटो भी होती है जिसमें कुछ बच्चे होते हैं, साथ में ओटॉक भी होता है। बाद में डायरेक्टर हो अपने आदमियों के पास कॉल करती है और उन्हें बता देती है कि हवाचा इस जगह पर है, तुम जल्दी से जाओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर दो आदमी हवाचा को मारने के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि डायरेक्टर हो के लिए काम करती है और वो इनमें से एक को मार देती है और दूसरे को जिंदा छोड़ देती है। बाद में ये लड़की डायरेक्टर हो को बता रही थी वहाँ पर दो आदमी हवाचा को मारने के लिए आए थे लेकिन हमने एक को पकड़ लिया है। डायरेक्टर हो कहती है हवाचा के बारे में क्या। ये लड़की कहती है जब मैं वहाँ पर गई थी तब हवाचा पहले ही मर गया था। बाद में डायरेक्टर हो के पास इनके बॉस का कॉल आता है और अभी तक डायरेक्टर हो के बॉस को दिखाया नहीं गया है कि ये कौन है, और फोन पर इसके बॉस की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये ताइकू है, लेकिन अभी तक हम कन्फर्म नहीं है कि ये कौन है। आगे से इसका बॉस भी हवाचा के बारे में बात कर रहा था और कह रहा था कि हमें पता चल गया है कि हवाचा के साथ क्या हुआ है और तुम उसके साथ अपने पुराने तरीके से पूछताछ करना। डायरेक्टर हो कहती है ठीक है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर हो डोहन और साथ में यहाँ पर चेरी ये तीनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आए हुए थे और यहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं डोहन यहाँ पर डायरेक्टर हो को एक टैटू दिखा देता है। इस टैटू को देखने के बाद डायरेक्टर हो यहाँ पर चुप हो जाती है और वो डोहन को बाहर आने के लिए कहती है। और डायरेक्टर हो यहाँ पर डोहन से कह रही थी कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जांच क्यों कर रहे हो, तुम मेरे बारे में क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हो। डोहन कहता है तुम्हारे मिलने से पहले क्या तुम्हें पता है कि मैं कहाँ पर गया था। अब वो बताता है कि मैं नावी से मिलने के लिए गया था। डायरेक्टर हो कहती है तो उसने क्या बताया मेरे बारे में। डोहन कहता है तुम्हारे साथ जो भी कुछ चल रहा है तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन डायरेक्टर हो उसे कुछ भी नहीं बताती। बाद में हम देखते हैं यहाँ पर डोहन जेरोल के साथ होता है और तभी यहाँ पर डोहन के पास नावी का मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम टैटू वाली दुकान पर आ सकते हो। बाद में यहाँ पर डोहन टैक्सी में बैठ जाता है और यहाँ से चला जाता है। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर यूरा घर पर होती है और मिन्सियो का वेट कर रही थी, लेकिन तब यहाँ पर ताइकू आता है, उसके साथ में मिन्सियो होती है और मिन्सियो यहाँ पर ताइकू के साथ काफी खुश होती है। अब हम रात को देखते हैं जहाँ पर ताइकू इस चित्र को देख रहा था, ये चित्र मिन्सियो ने इसके लिए बनाया था और इस पिक्चर के अंदर एक फोटो होती है और ये फोटो ताइकू की होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं बाहर से यूरा आती है और उसके हाथ में हथियार होता है। यूरा कमरे के दरवाजे को खोलकर ताइकू को मारने वाली थी, तब ताइकू पीछे हट जाता है और ये हथियार उस पिक्चर को लग जाता है जो कि मिन्सियो ने बनाई थी। और बाद में एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।